This is Manju and Amna. Today we are going to show you how to do magic jar. So we have something over here. Let me show you. हमारे पास यहाँ है paraffin wax, resin wax, bee wax, fixer और coal dye. और हमने एक दो brushes रख रखे हैं जो अभी हम use करें. First हमने burner on कर लिया है. इसके ऊपर हमने bowl रख दिया है. Now we are going to add paraffin wax. इसकी quantity होगी 60%. As you can see कि ये paraffin अब धीरे धीरे melt हो रही है. Now we will add resin wax 1%. Now we are going to add bee wax. इसकी भी क्वांटिटी हम 20% ही रखेंगे. मींस 60% ऑफ पैराफिन, 20% ऑफ रेजिन एंड 20% ऑफ बी वैक्स. अगर आपके पास बी वैक्स नहीं है तो यू कैन ऑल्सो यूज पैराफिन और रेजिन वैक्स. और अगर आपके पास रेजिन नहीं है तो यू कैन यूज पैराफिन और बी वैक्स. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वैक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है. ये हमारा मोटिफ है एंड लेट्स ड्रॉ द मोटिफ एंड अप्लाई द वैक्स ऑन दिस मोटिफ. हम ब्रश के थ्रू वैक्स लेंगे एंड वी विल पुट ऑन द मोटिफ. हमें जो पार्ट डाई नहीं करना है और जो हमें कवर रखना है, हमें जो पार्ट वाइट रखना है, हम उस पार्ट पे वैक्स को अप्लाई. Beware guys, very careful. ये wax बहुत ज़्यादा आपके लिए dangerous है, so please आप इसको बहुत ज़्यादा सावधानी से. आपका वैक्स कॉन्टिन्यूसली गर्म होते रहना चाहिए, अदरवाइज वो ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा. तो इसका लिक्विड फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है. ऑफ कर दिया है, अब हमारा मोटिव भी कंप्लीट हो चुका है. अब हम इस पे डाई अप्लाई करेंगे. एज आई टोल्ड यू हमारे पास कोल डाई है. हम कोल डाई बैटिक डाई में यूज करते हैं क्योंकि अगर हम हॉट डाई यूज करेंगे तो बैटिक सारी पिघल जाएगी हॉटनेस की वजह से. सो वी यूज कोल्ड डाई एंड फिक्सर इन वन बकेट. वी गोना ऐड कोल्ड डाई एंड इन अनदर बकेट वी गोना ऐड फिक्सर. थोड़ा सा हम फिक्सर डालेंगे. इफ वी डोंट हैव फिक्सर देन वी कैन यूज सॉल्ट. सॉल्ट जो है हमारे कपड़े पे कलर फिक्स करने का काम करता है. सो वी यूज लिटिल बिट ऑफ फिक्सर ओनली, बस इट्स ओके. अब हम अपने स्वॉच को पहले डाई वाले बकेट में डिप करेंगे. हम इसको चाहें तो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, इसको क्रम्बल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं डाई में. और पहले कलर में डाई ये हमने डाई करी. अब वी विल गो टू द फिक्सर. अब हम अपने स्वॉच को फिक्सर में लेके जाएंगे. फिक्सर से हमारा कलर फिक्स हो जाएगा और बाद में सुखाने के बाद ये कलर उतरेगा नहीं. ये सेम प्रोसीजर हम 2 से 3 बार ही करेंगे. पहले डाई में, देन फिक्सर में, देन डाई, देन फिक्सर. 2-3 बार करने के बाद हम इस स्वॉच को सूखने के लिए डाल देंगे. एज यू कैन सी हमारा स्वॉच रेडी हो चुका है. सो अब हम इसे ड्राई होने के लिए डाल देते हैं. हमारा स्वॉच सूख गया है. नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द वैक्स फ्रॉम इट. हमारे पास यहाँ पे प्रेस है जिसे हमने गर्म कर लिया है.
हमने न्यूज़पेपर डाला, उसके ऊपर सॉस डाल के देन कवर विद अदर न्यूज़पेपर, और इसके ऊपर से हम प्रेस अप्लाई करेंगे। गर्म प्रेस होने की वजह से सारी वैक्स अपने आप मेल्ट होके न्यूज़पेपर के ऊपर चिपक जाएगी। अगर आप चाहें तो वैक्स आप हॉट वाटर से भी रिमूव कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट बॉइल वाटर एंड पुट दी फैब्रिक और सॉच वट एवर यू हैव इन टू द वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। अपने आप उसका जो वैक्स है वो मेल्ट होने लगेगा गर्म पानी की वजह से, और थोड़ी देर बाद आप उसको स्क्वीज करके निकाल लें। लेट्स टर्न ऑन न्यूज़पेपर एंड सी हाउ आर मोटिव इज, एंड दिस इज वॉट वी प्रिपेयर। इट्स रियली वेरी नाइस। सो यू कैन सी हमने एक गणेश जी बनाया है विच इज रियली लुकिंग वेरी नाइस। लुक ओवर हियर गाइज, वी मेड 4 samples एंड 3 are wet राइट नाउ, और एक हमने तैयार कर लिया जो हमने सुखा भी दिया, उसके बाद उसकी बैग्स रिमूव कर दी और प्रेस करके हमने उसे अलग कर दिया। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सैम्पल्स विच इज़ रेडी राइट नाउ एंड जो हम पहले प्रिपेयर करके हमने रखा है, और कुछ सैम्पल्स जिन्हें अभी तैयार होना बाकी है। सो गाइस, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए, फॉलो करिए और हमारे साथ कुछ नई चीज़ें सीखिए। सो सी यू, बाय बाय, टाटा।